ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल, इनफर्टिलिटी इन मेल कौन कौन से कारण हो सकते हैं मेल में इनफर्टिलिटी के, तो हम देख लेते हैं। एक रीजन हो सकता है स्पर्मेटो जेनेसिस डिसऑर्डर, स्पर्मेटोजेनेसिस डिसऑर्डर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो कंडीशन कह देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम इन वास डिफरेंस, प्रॉब्लम इन वास डिफरेंस, प्रॉब्लम इन वास डिफरेंस में हम ये कह दें कि जैसे सपोज करो कि ये वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस में जो वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस चलता है, उस पेरिस्टाल्सिस में कोई डिसऑर्डर हो जाए कि वेव कंटिन्यू ना कर पाए, या हम ये कह दें कि वास डिफरेंस के अंदर कोई ट्यूमर बन जाए, तो भी स्पर्म का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वास डिफरेंस में, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम इन वास डिफरेंस। एक रीजन देख लें, हम बोल सकते हैं एस्थेनो जू स्पर्मी है, एस्थेनोजियोस्पर्मिया इनफर्टिलिटी इन मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। इसको बोला जाता है लो स्पर्म मोटिलिटी। अगर स्पर्म के मोटिलिटी स्लो है, ठीक है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हम बोल सकते हैं टेराटोजियोस्पर्मिया भी एक टेराटो जूस्पर्मिया, ये भी एक रीजन है इनफर्टिलिटी इन मेल का, ठीक है। टेराटो जूस्पर्मिया का मतलब ये हो गया डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर, अब जैसे सपोज करो कि ये कोई स्पर्म हो, ठीक है, ये नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, ये हमें पता है, ठीक है, और यहाँ से ये टेल जा रही है और ये एंड पीस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया। अगर इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, सपोज करो कि ये नहीं है, ठीक है, एक्रोसोम नहीं है, तो क्या करेगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ओवम के वॉल को, या फिर इसका जो टेल है ये नहीं है, तो फिर इसकी मोटिलिटी भी नहीं रह पाएगी, या टेल छोटी है, स्मॉल टेल है, तो ये तेजी से जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी, या हो सकता है कि टेल है ही नहीं, टेल हो ही नहीं पूरी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं डिफेक्ट्स जिनके वजह से मेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, अपना एक इम्पोर्टेंस रखेगा फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टिराटो जूस्पर्मिया। अब देखते हैं एक और रीजन, ओलिगो स्पर्मिया, ठीक है, ओलिगो स्पर्मिया में बोलते हैं लो स्पर्म काउंट, ठीक है। अब ये लो स्पर्म काउंट बेसिकली होता क्या है, हम ये कहें बिलो 20 मिलियन पर एमएल, 1 ml में 20 मिलियन से जब नीचे होगा स्पर्म का काउंट, तो वो कंडीशन कहला जाता है ओलिगो स्पर्मिया का, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जब एक ही सिंगल स्पर्म की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो अगर 20 मिलियन से कम है पर एमएल, तो ये कैसे इनफर्टिलिटी लीड करता है।
तो ये एक ऐसा लॉजिक समझे कि ज्यादा स्पर्म होगा तो ज्यादा वाइटल स्पर्म का नंबर भी ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा वाइटल नंबर ऑफ स्पर्म्स होंगे तो ज्यादा स्पर्म की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी ओवम के सरफेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हेल्दी स्पर्म्स आसानी से क्या कर सकते हैं कि ओवम के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये यही है कि कम स्पर्म होंगे तो वाइटल स्पर्म भी कम ही होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ओलिगोस्पर्मिया की। एक रीजन हम देख सकते हैं एजोस्पर्मिया का। एजोस्पर्मिया क्या है? तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जब सीमेन में स्पर्म हो ही नहीं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, तो वो कंडीशन डेफिनेटली क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी का केस बन जाएगा, ठीक है। क्रिप्टोर्चिडिज्म की बात कर लें, क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या चीज है? इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस कहने का मतलब, सभी को पता है कि जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पर रहेगा? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है एब्डोमेन में, ठीक है। टेस्टिस यहाँ एब्डोमेन में प्रोड्यूस हुआ। अब इस टेस्टिस को, ये स्ट्रैंड जो है ग्यूबरनाकुलम, इसको हम बोलते हैं ग्यूबरनाकुलम। ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होकर के 7th मंथ में इसको ले करके नीचे की तरफ आता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है, और वो फाइनली ला करके स्क्रोटल सैक में इसको रख देता है। अगर 7th मंथ में ये स्लाइड होकर के स्क्रोटल सैक में नहीं आए, स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आए, तो क्या होगा? एब्डोमिनल टेस्टिस रह जाएगा, और एब्डोमिनल टेस्टिस रहने की वजह से जो टेम्परेचर होगा टेस्टिस का, वो बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ये हो गया क्रिप्टोर्चिडिज्म का कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस रह गया तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एक केस बनता है कार्टाजेनर सिंड्रोम का, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कार्टाजेनर सिंड्रोम। अब ये कार्टाजेनर सिंड्रोम क्या है? तो इस सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके वजह से जो सीलिया या फ्लैजिला की मोटिलिटी है वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो हम ये बोल दें कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफेक्ट इन मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला, ठीक है। तो ये हो गया कार्टाजेनर सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये ध्यान में रखना कि जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो सीलिया है उसके भी मोटिलिटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीलियरी मूवमेंट है वो भी इससे डिफेक्टिव अफेक्टेड होगी, ठीक है, और स्पर्म की मोटिलिटी भी इससे अफेक्टेड होती है। जैसे देख लेते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये है क्या चीज़। तो जैसे मान लो कि कोई एक मेल है, ठीक है, ये मान लो ये फीमेल हो गई, तो यहाँ पे मेल में जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के पास
नॉर्मल जीन है सिलियरी मूवमेंट के लिए और एक क्रोमोजोम के पास डिफेक्टिव जीन है। एक क्रोमोजोम के पास नॉर्मल और एक क्रोमोजोम के पास डिफेक्टिव, इसको हम बोल दें नॉर्मल और ये डिफेक्टिव। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में क्या होना है कि ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल डोमिनेंट होता है, ठीक है, ये नॉर्मल डोमिनेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाए इसमें क्या होगा कि एक नॉर्मल जीन रहेगा और एक डिफेक्टिव जीन हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं हेल्दी हेल्दी या नॉर्मल कैरियर, ठीक है। ये जो कंडीशन हम बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक डिफेक्टिव होगा और एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हेल्दी कैरियर हो गया, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन ये बनाए और एक कॉम्बिनेशन ये बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिफेक्टिव हैं, ठीक है, बोथ डिफेक्टिव रिसेसिव ये हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, देखना जरा, ये डिजीज को कैरी करेगा, ये हेल्दी है लेकिन कैरियर है, इसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे लेकिन इसके जीन में है, ये कैरियर है, ये भी कैरियर है और इसमें कोई किनफिल्टर का कोई जीन नहीं बना, ठीक है। तो यही कंडीशन जब रहता है तो वो कंडीशन कहला जाएगा किनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक रीजन हो सकता है, नंबर है 8-9, ठीक है, एक रीजन हो सकता है अल्कोहल, अल्कोहलिज्म क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, स्मोकिंग भी यही करेगा, स्मोकिंग के भी वजह से स्पर्म का काउंट घटने लगेगा, ठीक है। एक कंडीशन होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के भी वजह से इनफर्टिलिटी आएगी मेल में। अब ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि कई बार देखते होंगे कि मेल में बहुत सारा फीमेल कैरेक्टर दिखे, ठीक है, तो मेल में अगर फेमाइन कैरेक्टर दिखता है वही कंडीशन होता है कैनफिल्टर सिंड्रोम का। ये कंडीशन सबको पता होगा, एक्स एक्स और वाई, यही केस बन जाता है कि जब फीमेल कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं किसी मेल में, तो ये भी हो सकता है। एक रीजन हो सकता है हाइपरथर्मिया, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिसऑर्डर होने लगेगा। अब ये टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, तो स्पोराडिकली ये बढ़ सकता है, बहुत सारे रीजन के वजह से ये बढ़ सकता है, जैसे कि टाइट अंडरगारमेंट्स, ठीक है, या फिर वेरिकोज वेन। ध्यान रखना वेरिकोज वेन क्या चीज है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है पेरिफेरल वेन्स का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बहुत सारा क्वाइलिंग कर लेती हैं। अब पेरिफेरल वेन्स हैं एबनॉर्मली वो ज़्यादा ग्रो कर गई हैं, ज़्यादा डायलेटेड होगी और ज़्यादा उसमें क्वाइलिंग होगी तो वो एटमोसफियर से टेम्परेचर का एक्सचेंज भी ज़्यादा करने लगती हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन होता है वेरिकोज वेन का। जनरली किसी के समझने के लिए एक बात समझ लो, ये किसी के लिम्स हैं, लोअर लिम्स ये जैसे सपोज कर लो, तो ये कंडीशन बहुत सारा देखे होंगे किसी के लोअर लिम्स में स्किन के जस्ट नीचे ऐसे वेन्स का बहुत सारा क्वाइलिंग देखे होंगे, बड़ी बड़ी वेन्स का, यही होता है
कंडीशन वेरिकोज वेन का, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है वेन्स का पेरिफेरल एरिया में, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिसऑर्डर हो सकता है अगर ये टेस्टिस में हो तो, ठीक है। एक कंडीशन देख लेते हैं, ब्रोंकाइटोटिस, अब ये कंडीशन क्या है कि क्रोनिक डाइलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, इसको बोलते हैं क्रोनिक डाइलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। अब इस केस में जैसे डाइलेशन होता है ब्रोंकियोल्स का, तो जो फैक्टर्स होते हैं म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए वो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अब जब फैक्टर्स बढ़ जाएंगे तो जहां जहां भी म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती हैं, ठीक है। अब म्यूकस सेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी होती हैं, वहां पे अगर ज्यादा हाइपर म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा तो स्पर्म के मोटिलिटी में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस वजह से हम देखेंगे कि ब्रोंकियल डाइलेशन की वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी इनफर्टिलिटी इन मेल हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे बोल दें लीड्स इनटू थिक म्यूकस इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो ये सारा केस बन सकता है। बाकी का जो इनफर्टिलिटी इन फीमेल है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।